हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू और यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि रुई से परफेक्ट बत्ती कैसे बनता है। हम कई बार बत्ती बनाते हैं लेकिन कभी हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो आज मैं आपको परफेक्ट बत्ती कैसे बनता है वो बताऊंगी। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन कौन सा बत्ती हम लोग को जलाना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। मेरी तरह तरह के वीडियो में आपको अच्छे अच्छे वीडियो ला के दिखाऊंगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा कॉटन तोड़ के उसे 3 फोल्ड किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे खींच रही हूँ कॉटन को, फिर उसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ, जिससे कि मेरा बाती बन गया है। अगर आप इससे भी अच्छा बाती बनाना चाहते हैं तो उसके जो पीछे है, जहाँ से आप फोल्ड करते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से खींच लीजिएगा, जिससे कि ये बहुत अच्छा बन जाएगा और एक जगह यहाँ पे बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा फ़ैन ऑन है इसलिए बार बार उड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे परफेक्ट बाती बन गया। आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये स्क्वायर शेप का बना है फ्रेंड्स, तो कि आप देख रहे हैं ये गोल नहीं है, ये स्क्वायर शेप का है, जिससे कि किसी भी दिया में आप मिट्टी का, पीतल का, किसी भी दिया में आप डालिएगा तो वो आराम से सेट हो जाएगा, जिससे कि हमको पूजा करने में हम लोगों को अच्छा रहेगी और सुविधा होगी। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे। अक्सर आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि आप जब भी घर में यूज करते हैं तो आप इसी तरह से बाती बनाते हैं, कॉटन लेके उसे तोड़ के छोटा छोटा बना बना के आप यूज करते हैं। आप गोल बाती यूज करते हैं, नहीं तो आप लंबा बाती यूज करते हैं। ये दो टाइप्स ही हम लोग बाती आज तक देखे हैं। बत्ती बनाने का बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो बोली मैं ट्रिक से बताऊंगी, यूनिक वीडियो है, ये यही एक यूनिक वीडियो है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, आप देख रहे हैं, ये मैंने येलो कलर का फूड कलर लिया है, ये मैं रेड कलर का फूड कलर ली हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि रेड कलर का है, इसमें थोड़ा सा पानी है फ्रेंड्स। और उसके बाद अभी मैं फिर से तीसरा लूँगी, ये ग्रीन कलर का फूड कलर है, इसे मैंने छोटा सा कटोरा में रख लिया है, जिससे कि मैं आज आपको इससे आगे क्या करना है मैं बताऊंगी। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का फूड कलर है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स ये वीडियो रहेगा, इसलिए आप प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, मुझे भी अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। आप अगर मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। इन चारों को मैंने अलग अलग कलर का मैंने चारों में कटोरा में ले ली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स। मैं थोड़ा थोड़ा आई थिंक 1/4 या 5 ड्रॉप आप इसमें पानी डाल लीजिए, सारे में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फूड कलर में अगर ज़्यादा पानी डालीजिए तो कलर हल्का हो जाएगा और फिर उसका जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ परफेक्ट उसमें कलर नहीं आ पाएगा। फ्रेंड्स, देखिए मैंने सब में थोड़ा थोड़ा कलर ला लिया, इसे अच्छे तरह से घोल लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो फिंगर से घोरना तो मत घोरिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिंगर से आप कीजिएगा तो सारा कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा हिला रही हूँ, ये खुद ब खुद कलर इसका मेल्ट हो रहा है। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ये रेड कलर का हो गया है, ऑरेंज कलर हो गया है, ग्रीन हो गया है, येल्लो हो गया है, सारे को मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चारों कलर मेरा अच्छा तरीके से तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं करने क्या वाली हूँ। ये मैंने व्हाइट कलर का जो आपको फर्स्ट में दिखाई थी ये वो बत्ती है। अब मैं छोटा सा कॉटन तोड़ूँगी, उसे फिर से मैं वही सेम स्टेप करूँगी कि कॉटन को तोड़ के जैसे मैंने व्हाइट वाला में किया था, इसे मैं फोल्ड करूँगी 1 एंड 2, देन उसे मोड़ लूँगी, फिर इसको थोड़ा सा खींच के इसे राउंड राउंड कर लूँगी फ्रेंड्स, शेप में ले आऊँगी बत्ती के शेप में। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ग्रीन हल्का सा उसका पानी ली हूँ, ग्रीन कलर का, मैं इसे हल्का हल्का इस बाती के आगे जो इसका निकाली हूँ, जैसे कि मैं जलाऊंगी पूजा में, उसे मैं थोड़ा थोड़ा लेके उस पर कलर लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, रुई को तोड़ के दो बार फोल्ड करके तब इसके ऊपर ग्रीन कलर का मैं जो बनाई हूँ वो फूड कलर का पानी लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर में इसका कलर वाइट है कॉटन का, नीचे में ग्रीन है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। आप हमेशा वाइट कलर का हिमबत्ती जलाती होंगी पूजा पाठ में, बड़ा बड़ा पूजा पाठ में सब दिन आप इसी तरह से वाइट कलर का ही जलाती होंगी। फ्रेंड्स, आप ये यूनिक वीडियो है, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और इसे इसी तरह से बनाइएगा। फ्रेंड्स, अब मैं सेम प्रोसेस येलो वाले के साथ करूँगी, जो मैंने ग्रीन के साथ किया था वही सेम प्रोसेस मैं येलो के साथ करूँगी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं फिर से वही ले रही हूँ कॉटन, थोड़ा सा लेके उसे तीन फोल्ड करके फिर उसके बाद मैं इसे येलो कलर्स पे लगा रही हूँ इसके आगे में, जो कि येलो वाला देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, फिर से मैं इसे ले लूँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसे येलो करने के बाद इसे धीरे धीरे साइड में प्लेट में रखते जाए फ्रेंड्स, और अलग अलग रखें, क्योंकि अभी ये गीला है। अगर आप दोनों कलर में टच करिएगा तो ये हो सकता है कि उसका कलर उसमें मिक्स हो जा सकता है और वो येलो की जगह 2D हो जाएगा, ग्रीन में येलो जाएगा तो ग्रीन और येलो हो जाएगा, वो 2D कलर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप इसे अलग से रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने येलो कुछ बना लिया है, एक दो मैंने ग्रीन बना लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कलर कि उसका कलर कैसा लगता है देखने में। अब मैंने फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी येलो बना रहे हैं तो उसके बाद आप हैंड वॉश जरूर कीजिएगा। आप ग्रीन बना रहे हैं उसके बाद आप थोड़ा सा पानी साइड में रखिए, उसको धो लीजिए, एक क्लॉथ रखिए, हाथ को अच्छे से पोंछ के उसके बाद फिर से आप बनाना अपना स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने फिर से बत्ती ले लिया है, कॉटन ले ली हूँ, अब इसे मैं फोल्ड करके मैं इसमें रेड कलर लगा रही हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे स्पीड में बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप जिस भी कलर का फूड कलर आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, आप उस कलर का बना सकते हैं, बहुत देखने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं इसे अपने पूजा में यूज करती हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत सारा कलर बना के इसी टाइप से रख ली हूँ फ्रेंड्स, मैं रोज़ इसी टाइप का बत्ती यूज करती हूँ फ्रेंड्स। ये अलग बात है फ्रेंड्स कि हम लोग बत्ती वाइट जलाएं या कलरफुल जलाएं, उसे हमें आरती ही करना है, लेकिन फ्रेंड्स देखने में बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे सारे बना के मिक्स करके एक वाइट प्लास्टिक में रखिएगा तो सोचिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मेरा यकीन मानिए कि मैं ऐसे करके रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब मैं सारे दिन अलग अलग टाइप्स का जलाती हूँ, मैं बृहस्पति के दिन मैं खासकर येलो कलर का बत्ती जलाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन माना जाता है कि विष्णु भगवान जी का दिन है, उस दिन येलो येलो ही सब कुछ होता है, ड्रेस येलो, उनका प्रसाद येलो, इसलिए मैं इसमें बृहस्पति के दिन में ये खासकर येलो कलर का जलाती हूँ। और मैं वैसे डेली मैं रेड ग्रीन ऑरेंज येलो वो मैं उसमें जलाते रहती हूँ फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैं फिर से हैंड वॉश कर ली हूँ, उसके बाद मैं वही सेम प्रोसेस कर रही हूँ, बत्ती को तीन बार फोल्ड करके उसे प्रेस करके देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ ऑरेंज कलर। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मैंने ऑरेंज कलर इसमें लगाया है, कितने सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये ऑरेंज वाले बत्ती को देख के आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि एक हम लोग के इधर फ्लावर होता है, उसे रात रानी बोलते हैं फ्रेंड्स। आप अगर उसे ध्यान से देखिएगा तो वो सेम उसी टाइप से लग रहा है, रात रानी के फ्लावर के टाइप से लग रहा है फ्रेंड्स। बहुत जगह उसे हर श्रृंगार फ्लावर भी बोला जाता है फ्रेंड्स, तो आपके इधर जो बोला जाता हो आप बोलिए। मुझे तो देखने में ऑरेंज कलर का बत्ती वैसा ही लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे कितना सारा बत्ती तैयार कर ली हूँ, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने कलरफुल हैं, काफ़ी मुझे देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके सारे देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज है, रेड है, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके सारे फ्रेंड्स मैं एक जगह स्टोर करके इसे रखती हूँ, पैकेट में रखती हूँ, नहीं तो आपके पास छोटा सा डलिया है तो आप उसमें रख सकते हैं, पूजा के पास रख सकते हैं, जिसे कि आपको डेली यूज करना ही है फ्रेंड्स। पूजा सबके यहाँ डेली होता ही है, इसलिए ये यूजफुल वीडियो है, यूनिक वीडियो है, इसलिए मैं शुरू में बोली कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि मैंने सारे बत्ती तैयार कर चुकी हूँ मैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये येलो वाले आप देख रहे हैं और ग्रीन वाले देख रहे हैं एक दूसरे के, कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसे रात भर प्लेट में डाल के छोड़ दूंगी, जिससे कि इसके मैंने जब इसमें रस लगाया था उसमें वाटर लगाया था, उसके हल्के हल्के वाटर इसमें रहेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि पंखा में डालने से सारे सूख जाएंगे
और फिर कलरफुल बत्ती तैयार हो जाएगा आपका, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के आपके न्यू वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिएगा।